हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ई व्लॉग में। तो चलिए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं द रोड राजवीर, जिनका राजवीर उर्फ मोनू, जिनका 3 मई को एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस टाइम पर वो अपने गांव में थे। स्नैपी गर्ल सपना को सब जानते हैं। स्नैपी गर्ल की पहले शादी सूरज भाई से हुई थी, लेकिन जब उनकी बेटी 5 महीने की थी तो सूरज जी को कोविड हो गया था और कोविड के चलते उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर उनके जो दादा ससुर हैं उनकी डेथ हो गई थी। और अब 3 महीने पहले द रोड राजवीर, जिनसे सपना की दूसरी शादी हुई थी, जो सूरज जी के छोटे भाई थे, उनकी भी डेथ हो गई है। मतलब इनके परिवार में सिर्फ 2 बेटे थे और दोनों बेटे इस दुनिया से जा चुके हैं। सपना की 2 बार शादी हुई है, पहले सूरज जी से उनकी डेथ हो गई, उसके बाद राजवीर जी से उनकी डेथ हो गई। और सूरज जी की भी एक बेटी है और राजवीर जी की भी एक बेटी है। तो अब बूढ़े माँ बाप के पास उनके बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं बचा है। 2 बेटे थे, दोनों की डेथ हो चुकी है। और आप समझ सकते हो जब एक 2 बूढ़े माँ बाप के सामने उनके जवान बेटों की मौत हो जाए तो उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन द टॉक ऑफ अलका, आवाम की आवाज़, जिनका यूट्यूब चैनल है, जो स्टार्टिंग से सपना और राजवीर जी की मौत के ऊपर वीडियो कंटिन्यू बना रही हैं, उनका कहना है कि उन्हें राजवीर जी के पापा सपना के जो ससुर हैं उनसे जवाब चाहिए। कि कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो आई थी, सपना के जो सास ससुर हैं उनकी एक वीडियो आई थी, उन्होंने कहा था कि जो भी हमारी वीडियो बना रहे हैं हमारा चैनल चोरी कर लिया है। चैनल तो है लेकिन उनका लोगो डाल के चैनल का नेम सेम कर लिया है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए। तो अलका जी का क्वेश्चन था कि क्या हेल्प चाहिए अंकल जी आपको हमारे से, और बहुत सारी वो वीडियो बना चुकी हैं। उनको सिर्फ चाहिए कि जो राजवीर जी के अंतिम दर्शन करने हैं उनको, कि उनकी जब उनकी डेथ हुई तो कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों अपलोड नहीं की गई, क्योंकि वो भी सोशल अंतिम दर्शन करना चाहती थी राजवीर जी के। वह राजवीर जी के गांव तक चली गई जहाँ पर राजवीर जी की डेथ हुई थी। उन्होंने कई सारी इन्फॉर्मेशन निकाली कि उनके पापा ने ये बोला, उनकी फैमिली ने ये बोला, सपना उन्होंने एफ आई आर कराई कि सपना ने वो एफ आई आर वापस क्यों ले ली। कई सपना कमेंट्स यहाँ तक आ रहे हैं उनके चैनल पर कि अलका जी सपना को जेल में डलवा दो, जो सपना जेल में डल जाएगी ना तो वो अपने आप सारा सच उगल देगी कि राजवीर जी कहाँ है। कुछ लोगों को लगता है कि जो राजवीर जी हैं वो अभी भी जिंदा हैं, ठीक है, क्योंकि पब्लिक को उनकी कोई वीडियो या कोई फोटो नहीं दिखाया गया, उनके अंतिम दर्शन नहीं कराए गए, ठीक है। और सपना के फेस पर वो सब कुछ नहीं दिखता कि जो एक हस्बैंड के मरने पर पति के फेस पे दुख होता है, और ना ही माँ बाप के फेस पे वो दुख दिखता जो एक बेटे के मरने पर दुख होता है माँ बाप के। सूरज जी का अंतिम फोटो दिखाया गया, उनके दादाजी का भी अंतिम फोटो दिखाया गया, तो फिर राजवीर जी का अंतिम फोटो क्यों नहीं दिखाया गया। तो ये सब कुछ सपना जी का, उनका, अलका जी का चल रहा है। सबसे पहले मैं अलका जी को एक बात बोल दूं कि मैं आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी मेरी आपसे नहीं है, ना ही मैं आपको इतने अच्छी तरीके से जानती हूँ। हाँ, लेकिन आपकी वीडियो जब से आने लगी है स्नैपी गर्ल सपना के लिए, तब से मैं आपको जरूर देख लेती हूँ। कोई पर्सनल इशू नहीं है आपके साथ, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या जरूरत है किसी के जख्मों को कुरेदने का? आपको लगता है जिस टाइम पे सूरज जी की डेथ हुई थी उस टाइम पे राजवीर जी थे पूरे परिवार को संभालने के लिए, और रही दादाजी की डेथ की बात तो दादाजी की उम्र हो रही थी, उनकी अगर डेथ हो गई तो वो कुछ इतना वो नहीं था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जी चुके थे, अपनी उम्र वो जी चुके थे, ठीक है। लेकिन जो राजवीर जी हैं वो 28 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है,
एक माँ से उसके दो बेटे, जवान बेटे दूर हुए हैं। एक वाइफ से उसका पहला हस्बैंड की डेथ होने के बाद दूसरे हस्बैंड की डेथ हुई है। दो बच्चों जो अभी सही से बोलना या समझना नहीं जानते थे, उनके दो पापा एक्सपायर हुए हैं। अंशु के दो भाई एक्सपायर हुए हैं। क्या आपको लगता है कि कोई इस कंडीशन में कोई आपके लिए वीडियो या फोटो खींचेगा उस टाइम पर? आपको लगता है उनकी हालत ऐसी होगी उस टाइम पर कि वो आप लोगों के लिए फोटो खींचकर यूट्यूब चैनल पर लगाएंगे, सोशल मीडिया पर लगाएंगे? कोई शादी फंक्शन, कोई समारोह तो ऐसा था नहीं कि आप लोगों के लिए वीडियो खींच कर उन्होंने नहीं लगाई। ये देखो कि उनके ऊपर कितना दुख का पहाड़ टूटा होगा उस टाइम पर, जिस टाइम पर उनको ये मालूम चला होगा कि उनके छोटे बेटे राजवीर जी की भी डेथ हो गई है। और जरूरी नहीं होता है कि उनकी कंडीशन, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है, उनका सिर फटा है। सिर से अंशु ने बताया भी है कि जब उनको एम्बुलेंस से नीचे उतार जा रहा था तो उनका कितना ब्लड निकला हुआ था। जरूरी नहीं है कि उनकी कंडीशन, उनके फेस कंडीशन ऐसी हो कि उस टाइम फोटो खींचकर आप लोगों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया जाए। आपको मतलब कुछ शर्म नहीं आती कि आप लोग कहते हो कि हमें अभी डाउट है कि राजवीर जी जिंदा है, राजवीर जी जिंदा है? अरे अपने बेटे की कोई झूठी खबर मौत की क्यों फैलाएगा? क्या तुम्हें सपना के चेहरे से नहीं लगता कि राजवीर जी नहीं रहे? क्या अंशु के मम्मी के पापा के जैसा कि उनके जो डॉगी हैं, तुम्हें उन लोगों के चेहरे से उनके इमोशनल नहीं दिखाई देते कि उनके चेहरे उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है? क्यों किसी के जख्म को कुरेदना? अरे किसी की लाइफ में इतना पर्सनल क्यों होना कि उस आपको उसकी एक एक खबर चाहिए? आप भी सोशल मीडिया पे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे हैं, वो जितना चाहें उतना दिखाएं यूट्यूब पर। आप लोगों को कोई हक नहीं है कि उनकी पर्सनल लाइफ में जाने का। उनका मन करे वो फोटो दिखाएं, उनका मन करे वो फोटो ना दिखाएं, उनका मन करे वो वीडियो दिखाएं, उनका मन करे वो वीडियो ना दिखाएं। आप इतना पर्सनल कैसे हो सकते हो किसी के ऊपर? मतलब पिछले 3 महीने से कंटिन्यू उन्हें पल पल मार रहे हो, बार बार ये वीडियो अपलोड करके राजवीर जी जिंदा है, उन्हें पल पल की मौत दे रहे हो आप लोग। क्या जरूरत है, जरूरत ही क्या है आप लोगों को ये सब जानने की? अरे वो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें क्या सपना की आंखों में नहीं दिखता कि राजवीर जी नहीं रहे? क्या तुम्हें मम्मी पापा की आंखों में नहीं दिखता कि राजवीर जी नहीं रहे? क्या छोटे बच्चे हैं उनकी नजरों में नहीं दिखता राजवीर जी नहीं रहे? क्या सब न्यूज़ वाले न्यूज़पेपर वाले सब लोग झूठ बोलेंगे कि राजवीर जी की डेथ हो गई? क्या और तो और छोड़ो, सपना की मम्मी के तुम्हें उससे नहीं लगता कि फेस तो उनकी डेथ हो गई? कहां-कहां से रिकॉर्डिंग, कहां-कहां से घर गांव में जाना? और जब उस बंदी ने, अगले बंदी ने खुद ही मना कर दिया है कि नहीं चाहिए आपका सपोर्ट, नहीं चाहिए आप लोग की राजवीर जी की डेथ की FIR कराए, नहीं चाहिए, तो फिर क्यों आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो? क्यों किसी का जीना हराम कर दिया है? अपने ऊपर सोच देखो, अगर ये कंडीशन तुम्हारे ऊपर होती तो क्या तुम सोशल मीडिया पर पहले फोटो अपलोड करते या वीडियो अपलोड करते? मानती हूँ कि आप लोगों को भी दुख हुआ है राजीव जी की डेथ का, सबको दुख हुआ है, क्योंकि वे एक ऐसे बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान थे। सबको दुख हुआ है उनके जाने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जाने के बाद तुम उन्हीं की डेथ का उनके परिवार के ऊपर इल्जाम लगा दोगे। सोच कर देखो आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों किसी इंसान की डेथ के पीछे पड़े हो, क्यों किसी इंसान के पीछे पड़े हो? अगर इंसान चाहता है कि आप उसको अकेले छोड़ दो, उसको फ्रीडम दो, बिल्कुल वो नहीं चाहता कि आप लोग राजवीर जी की वीडियो अपलोड करें या राजवीर जी की कुछ भी करें, मत करो, क्योंकि वे नहीं, वो लोग खुद नहीं चाहते हैं कि आप लोग ऐसा करो। और रही एक चीज की बात कि उनके पापा ने किस लिए हेल्प मांगी, तो उनके पापा ने हेल्प मांगी है तो प्लीज उनका पीछा छोड़ दो। उनके खिलाफ कोई राजवीर जी को लेकर कोई वीडियो मत बनाओ। उनको सिर्फ ये हेल्प चाहिए कि उनको जीने दो, जिस हाल से वो गुजर रहे हैं उनको गुजरने दो। उनके साथ कोई छोटी मोटी घटना नहीं हुई है, इस घटना से उभरने के लिए उन्हें टाइम चाहिए, टाइम लगेगा उनको, तो उनको वो टाइम दो। किसी की भी लाइफ में इतना पर्सनल मत हो कि उसके आप घर गाँव बस्ती तक चले जाओ, कॉलोनी तक चले जाओ, मत करो ऐसा। और ये बात बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि राजवीर जी, राजवीर भैया उर्फ मोनू चौधरी अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो बार बार उनके ऊपर जिंदा है ये सब कहना बंद कर दो, क्योंकि इन सब से उनके परिवार पर इफेक्ट पड़ता है, उनके घर वालों को दुख होता है।